हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम फंडा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्मों द्वारा प्रेरित एक अपराधी विकास दुबे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में इसने उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों की गोलियां चलवाकर हत्या करवा दी थी और आज यानी 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इसका एनकाउंटर कर दिया गया है। वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और इस घटना को लेकर आप क्या राय रखते हैं उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आमतौर पर आपको सुनने को मिलता होगा, फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो फिल्में और वेब सीरीज हैं ये आज के समाज का निर्माण कर रही हैं, यानी समाज में कई तरह की गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। उसी में से अगर हम बात करें तो विकास दुबे भी कहीं ना कहीं फिल्मों से प्रेरित था। 1999 में आई हुई फिल्म अर्जुन पंडित में जो अर्जुन पंडित का किरदार था उससे काफ़ी ज़्यादा ये प्रेरित था। तो कहीं ना कहीं इसने कई सारे अपराध सिर्फ और सिर्फ फिल्मों से प्रेरित होकर ही किए हैं। अब अगर हम विकास पंडित की बात करें, जो विकास दुबे है इसे विकास पंडित के नाम से जाना जाता था और उत्तर प्रदेश में कानपुर के देहात ज़िले में ये मेनली रहता था। वहीं पर ये पूरी गैंगस्टर बनाई, वहीं पर ये नेता बना दोस्तों। और जो दुबे है ये विकास पंडित के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसने अपना नाम जो वैकल्पिक नाम है वो पंडित रख लिया था, जो 1999 में जो फिल्म आई थी अर्जुन पंडित उससे प्रेरित होकर। मेनली ये रहने वाला था उत्तर प्रदेश के चौबेपुर ब्लॉक के गांव बिकारू का ये निवासी था और युवा अवस्था से ही इसने अपने जो खुद की गैंग थी, जो पूरा का पूरा गिरोह था, उसका निर्माण कर लिया था। कई सारे आपराधिक गतिविधियों में ये शामिल था, जैसे हत्या हुआ, भूमि हत्याना हुआ। इसके खिलाफ जो पहला मामला था दोस्तों वो 1990 में ही दर्ज कर लिया गया था और ये धीरे धीरे बहुत जल्दी इसने कई सारे इलाकों पर अपना अधिकार कर लिया था और ये काफ़ी बड़ा अपराधी बन चुका था। कई सारे बड़े बड़े अपराधियों की सूची में इसका नाम आने लग गया था। 1995 और 1996 में ये बसपा में शामिल हुआ, बीएसपी में, जो उत्तर प्रदेश की एक सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो एक पार्टी है बीएसपी, उसमें शामिल हो गया था और इसने बलपूर्वक जो जिला स्तर के चुनाव भी जीते। इसकी जो पत्नी थी ऋचा दुबे, वो स्थानीय निकायों के चुनाव उसने भी जीते, वो भी बलपूर्वक। 2001 में ये शिवली पुलिस स्टेशन पे इसने भाजपा नेता जो कि संतोष शुक्ला थे उस समय के राज्य मंत्री, उनकी हत्या कर दी थी, यानी उसमें ये प्राथमिक अभियुक्त थे, मेन क्रिमिनल विकास दुबे उसमें था। उसके बाद अगर बात करें जो इसका पहला मामला आया वो 1990 में आया और 2020 आते आते करीब 60 आपराधिक मामले इस पर दर्ज हो गए थे। तो ये भी देखने वाली बात है कि 60 आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद भी ये खुला घूम रहा था। 3 जुलाई 2020 को दुबे और उसके लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया पुलिस द्वारा, यूपी पुलिस द्वारा। तो जो यूपी पुलिस के अधीक्षक थे डीएसपी, उनके साथ कुल 8 जवानों को गोलियां चलवाकर इसने मरवा दिया था। कई और पुलिसकर्मी थे जो घायल हो गए थे दोस्तों। उसके बाद जो था यूपी पुलिस का प्रशासन वो हरकत में आया, उन्होंने पूरी तरीके से नाकाबंदी की यूपी की। साथ ही साथ जो यूपी के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसे गिरफ्तार करने या इसका एनकाउंटर करने की खुली छूट पुलिस वालों को दे दी थी, यानी यूपी पुलिस को खुली छूट दे दी थी। उसके बाद 9 जुलाई 2020 को ये मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल के मंदिर में पकड़ा गया दोस्तों। वहाँ से जब इसे वापस यूपी भेजा गया तो आज यानी 10 जुलाई को सुबह इसने भागने का प्रयास किया, यानी कि जिस तरीके से पुलिस ने बताया, यूपी पुलिस के डीजीपी ने बताया, तो इसने भागने का प्रयास किया। तो इस भागने के प्रयास में और पुलिस वालों पर गोलियां चलाने के प्रयास के कारण इसका एनकाउंटर कर दिया गया है दोस्तों। तो आज यानी 10 जुलाई को यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर, यानी जो 30-40 वहाँ पर जो सूची बनाई गई गैंगस्टर की, उनमें से एक गैंगस्टर की आज एनकाउंटर कर दिया गया। तो ये कुछ खास बात मैंने आपको यूपी के सबसे इस गैंगस्टर के बारे में बताई दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो आपकी राय ज़रूर दें, आप क्या राय रखते हैं इस घटना को लेकर, इस एनकाउंटर को लेकर और जो यूपी में बढ़ते हुए क्रिमिनल्स को लेकर, तो वो राय ज़रूर दें यहाँ पे दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद।